बात करते हैं कुछ लोगों से। अभी अंदर जाओ, बहुत तेजी के साथ बात कर रहे हैं। नमस्कार बंधु, बधाई हो आपको। थैंक यू। ये डिग्री मिली आपको? हाँ। एक बात बताओ, पहन लो, अच्छा लगेगा। अभी मिल रहा आप? अच्छा, आपको जिम्मेदारी का एहसास हो रहा होगा ना कि अब जिम्मेदारी का एक BHU पहले से इतनी जिम्मेदारियां दे देता है कि निकलने के बाद बहुत एहसास ज़्यादा नहीं होता। ऐसा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप डॉक्टर हो रहे हो ना, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट का थोड़ा अलग हाल है। हाँ, अलग डिपार्टमेंट का अलग है, पर यहाँ तो काफ़ी सबको काम करना पड़ता है, हॉस्पिटल में बाकी जगह पे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो एक्सपीरियंस हो जाता है। और क्योंकि कॉमन जो आम जनता यहाँ पे आसपास की आती है, हम उसी से इंटरेक्ट करते हैं, बाहर भी हमें उसी से। आप ये जो कोर्स है, आप आयुर्वेदा से हो जी, ये कितने साल का होता है? BMS होता है मेनली। हाँ, जी कोर्स जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है वो 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, उसके बाद हम लोग MD वाले हैं, हम लोग MD भी कर चुके हैं उसके बाद। ओके। 3 साल की MD होती है, तो टोटल मिला के 6 साल अभी तक हम कर चुके हैं। नहीं, लेकिन MD फिर 2-3 साल का है ना? 3 साल की MD होती है। तो सबसे पहले BMS 4.5 साल। हाँ, 1.5 साल 5.5। हाँ, 5.5 और फिर प्लस 3 यानी 8.5 साल। मतलब 8.5 साल के बाद ये परिपक्वता आई है। कुछ कहना चाहोगे जो जूनियर्स हैं उनके लिए? जूनियर्स के लिए आयुर्वेद का अभी पूरे भारत के बाहर पूरे विश्व में इसकी पहचान बढ़ रही है, लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री भी इसको काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार भी बढ़ावा दे रही है, तो लोगों के पास मौका है। जो बाकी जनरेशन आ रही है वो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद पे भी थोड़ा ध्यान दे, आयुर्वेद अपनी भारत की पद्धति है, उसको बढ़ाएँ, जानेंगे तभी तो बाकी लोगों को समझा पाएंगे। बिल्कुल, मतलब मॉडर्न मेडिसिन की तुलना में इसमें जो स्कोप अब बढ़ रहा है, ये सही में बढ़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, तभी तो दिख रहा है, लोग आप समझ रहे हैं, कोविड में ये सारी चीज़ें समझ ही चुके हैं लोग। हाँ, आयुर्वेद को भी अपनाया जा सकता है, इससे भी कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आप बताओ, आप लोग बताओ, कुछ अपनी बात रखो। इनको डिग्री मिल चुकी है। हाँ, बधाई हो आपको, दिखाओ डिग्री, क्या बात है, क्या नाम हुआ आपका? श्रीन। कैसा एक्सपीरियंस रहा? 8.5 साल या अभी कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ आपको? MD सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर कंप्लीट होने। अच्छा, मतलब 7.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ। क्या कहना चाहोगी जूनियरों के लिए, कुछ कहो? यही कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मतलब आके यहाँ पे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में, मतलब इतना जितना पहले लगता था कि नहीं पता था, अब लगता है कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जो एक्सप्लोर है, मतलब इनको और एक्सप्लोर करना चाहिए, और मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए आयुर्वेद को बहुत आगे ले जा रहा हूँ, और मेरी यही कोशिश है कि मैं इसको आगे ले जाऊँ। गोल्ड मेडल वाले जाएँ जल्दी अंदर। आप एक बात बताओ, जैसे कोरोना से पहले जो आयुर्वेदा को लेते थे लोग, अब तो थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है ना? हाँ हाँ, बहुत अब लोगों का पहले जो थिंकिंग थी अब वो चेंज हो के मोस्टली लोग मतलब OPD वगैरह में भी अब मोस्टली लोग मॉडर्न की जगह आयुर्वेद में आते हैं। अच्छा। और अब बोलते हैं कि नहीं, हमें मॉडर्न ही कराना, हमें आयुर्वेद से ही मतलब इलाज कराना है। इससे आपको अच्छा लगता होगा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, हम लोग की पूछ बढ़ी है, है ना? धन्यवाद। MD आयुर्वेदा कुमार भित्ते बाल रोग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2020। मित्रों, तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती रहेगी तो यह प्रोग्राम और भी जीवंत रहेगा। बधाई हो, दिखाओ मेडल, दिखाओ, ये कौन सा मेडल मिला आपको? ये PDM में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। कितना मार्क्स आया आपको? एक्चुअली BG में फर्स्ट रैंक आई है। तो पूरे पीडिया डिपार्टमेंट फर्स्ट रैंक आई इसलिए मिला है। एक बात बताओ, PG तक आते आते लगभग कितना साल गुजरा? PG तक आते आते 8.5 साल। हाँ। है ना जी, बिल्कुल। इस मेडल तक आते आते, ठीक है, क्या कहना चाहोगी? मतलब एक जिम्मेदारी जो बढ़ गई है। बिल्कुल, अब तो मतलब लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, फैमिली बढ़ रही है, इधर शादी वादी सब कुछ एडजस्ट करना, और फिर जॉब साथ में ये सब भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, कैसा चैलेंजेज आप मतलब अब आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन एक तरफ था, लेकिन कोरोना के बाद आयुर्वेदा एक बूम पे जा रहा है, ठीक है, तो कैसा
लग रहा है? बिल्कुल, हमें उसके साथ एकदम कोरिलेट करना होगा क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इस टाइम एकदम हाई पीक पे है। और दूसरी बात कि अब लोग इतने एजुकेटेड हैं कि उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, उनको हर मेडिसिन जो भी सक्सेसफुल हो रही है उसके लिए प्रूफ चाहिए, एविडेंस होगा तभी वो बिलीव करेंगे इस चीज़ को। तो उसके लिए हम लोग को काफ़ी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे तभी शायद हम उस लेवल पर पहुँच पाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई हो। कौन सा मेडल पाई हो? बीएचयू मेडल, फैकल्टी में टॉप की हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहले से तो थी ही डॉक्टर्स की, टॉपर हो तो क्या कहना चाहोगी जो जूनियर्स हैं कैसे टॉपर हो? बस परसिस्टेंट पढ़ाई करते रहे और अपने लाइक टीचर्स फैकल्टी को रेस्पेक्ट करें, उनके आशीर्वाद और अपनी मेहनत से आप टॉप कर सकते हैं। आगे कहाँ रहोगी एज ए डॉक्टर? मुझे अभी हम पीजी कर रहे हैं तो आगे मुझे रिसर्च में जाना है। अच्छा। तो मुझे आगे रिसर्च करना है, रिसर्च लैब एस्टैब्लिश करना है और होपफुली हो सकता है मेरा पीएचडी फिर से बीएचयू से ही हो। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर निकिता शर्मा। धन्यवाद निकिता।